दोस्तों, सतत संघर्ष ऐसे लोगों की वास्तविक कहानी है जिन्होंने अपने जीवन संघर्ष में शिक्षा को एक हथियार की तरह अपनाया और उदाहरण बन गए। इस डॉक्यू ड्रामा श्रृंखला में वास्तविक चरित्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी पेश की गई है। बचपन में हम लोग का गांव का आदमी जो वहाँ पर ईटे बेटे काम करने एकदम बराबर जाता है, तो इसी में हमको बुलाए जी। उधर के किस्से हमको सुना रहा है तो ट्रेन में इतना अच्छा लगेगा और सारा देह से वहाँ पर जो देखने मिलेगा, और इतना बड़ा बड़ा मकान है, 6 तला 5 तला, इसी तरह हमको बता रहा है। और इसके बाद पानी का ऊपर से जहाँ जो जाएगा वो गाड़ी भी जाएगा, ऐसे बोला। तो हम बोला गाड़ी के अंदर से कैसे जाएगा वो ये पानी के अंदर से, तो बाद में हम बोला अच्छा हम भी एक दिन जाएगा। तुम लोग मुझको देख के हंस क्यों रही थी? तुझे देख के थोड़ी हंस रहे थे हम लोग। हम लोग तो कलकत्ते की बात पर हंस रहे थे। ए, हमको भी बताना वहाँ की बात। हमको भी वहाँ घूमने का बहुत मन करता है। लेकिन तुम्हारा भाई वहाँ जाने देगा क्या? हम लोग तो वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, और ईंट भट्टा में काम करने के बाद घूमने फिरने का मौका ही किसको मिलता है? घूमने फिरने का मौका ही किसे मिलता है? ऐसे बोले जैसे कि हमको कुछ भी नहीं पता। हमको पता है, घर के बाहर जब भी निकलते हो तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। जहाँ जी चाहे वहाँ घूमो, मोटर गाड़ी और वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग, कितना मजा आता है ना? मजा तो है, लेकिन हमेशा काम मिलता रहे तो गांव छोड़ के कौन जाएगा मजे के लिए वहाँ? पर फिर भी हमको एक बार जाने का बहुत मन है। बोलना, कब जाएगी तुम लोग फिर से? हाट के दूसरे दिन जा रहे हैं रात की गाड़ी से। लेकिन हम लोगों का नाम मत बताना तुम। हाँ, तुम्हारे भाई का गुस्सा तो जानती हो ना तुम। बाद में दिल में सोचा तो हम भी जाएगा एक दिन, तो बाद में हम गया। मेरा पिताजी को भी नहीं बताया, घर में हम चुप से भाग गया। बाजार का हो रहा भैया मैं। ओ लाडो, तुम क्या कर रही हो? माचिस ढूंढ रही थी मैं। क्या खाना नहीं खाया था? खाया था वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, धान बुआई के लिए जाना है। और सुनो, गोबर उठाने के लिए किसी और को भी साथ ले लेना। जी भैया। ठीक है, सो जाओ। ओ पिल्कू चाचा, पिल्कू चाचा। हाँ, तुम्हारी बेटी मेंजारी कहाँ है? मेंजारी तो रात को ही चली गई। वो अभी तो वो रेलगाड़ी पर भी बैठ चुकी होगी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या लाडू भी गई है उसके साथ? लाडू? लाडू? मुझे नहीं पता,
जब वो लोग गए होंगे तब मैं सो रहा था। वो क्या है कि कल मेंजारी ने 5 रुपए दिए थे महुआ के लिए। चाचा तुम दारू पीते रहो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना तो तुम्हारी बेटी मेंजारी को गला दबा दूंगा। क्यों, मेंजारी ने क्या किया? क्या किया है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ उसका पता ठिकाना है कुछ? पता ठिकाना वो तो नहीं है, चिट्ठी तो वही भेजती है ना। ठेकेदारों का तो फिर हुए पैर गया हुए पैर, फिर हम लोग को बाटा का मुंशी हुआ, लड़की लोगों से खराब व्यवहार ऐसे रह भी करता है, कुछ औरत तो अपना पेट में बच्चा को लेकर के भी आता है हुए से। भैया कभी कभी मैं सोच भी नहीं पाती हूँ कि वो लोग क्या क्या सोचते हैं हम लोगों के बारे में, जानवर समझते। आप कुछ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों है? क्या बोलूं, सभी कुछ तो तुम बोल रही हो, अगर यही बात मैं बोलूंगा तो तुम मानोगी नहीं। पता है वो लोग क्या क्या काम करवाते हैं हम लोगों से? मजदूरी मांगो तो कहते हैं कि एक साथ बाद में देंगे, और किसी को 400 किसी को 500, कोई हिसाब ही नहीं। और औरतों के साथ तो क्या किया है औरतों के साथ? कुछ नहीं, गाली गलौज करते हैं, और ईटा भट्टा के मुंशी लोग तो। इसीलिए तो हम विरोध करते हैं, इस बार आए तो कोई ठेकेदार। कभी कभी आपका गुस्सा देखकर हमको भी डर लगने लगता है। अरे मैं तो यही चाहता हूं कि सभी को गुस्सा आए, लोग लात खाते रहते हैं, लेकिन छोड़ो, जाओ तुम खाना निकालो। अच्छा हुआ तुम कलकत्ता से वापस आ गए। देखो मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं, हमारी लड़की काम करती है, तुम्हारा क्या जाता है? जलता हूँ मैं, अब क्या हुआ, क्या करोगे इसका? क्या करेंगे, हमारे समाज की जो नियम है, मेजारी ने जो पाप किया है उसकी सजा मिलेगी ही, जब तक उसका बाप समाज को जुर्माना नहीं देगा उसके घर का भी आग पानी बंद रहेगा। मुंडा वो मुझे थोड़ा तो समय दो। ठीक है, लेकिन तुम्हारी लड़की का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये कहां जाएगी? जहां से ये पाप लेकर आई है वहीं जाएगी। क्यों, इसमें इसका क्या दोष है? ये बेचारी पहले से ही तकलीफ में है, ऊपर से गांव समाज भी इसे छोड़ देगा तो ये जाएगी कहां? हमसे पूछकर कलकत्ते गई थी क्या? गांव से लोग बाहर नहीं जाते हैं काम करने, अगर गांव में ही काम मिल जाता तो लोगों का मन करता क्या बाहर जाके काम करने का? कुछ भी हो लाडो, लेकिन मेंजारी को समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो ये मेरे साथ रहेगी। क्या? मेरे बाप के घर में एक भी कोठरी मेरी नहीं है क्या? मैं और मेंजारी वहीं रहेंगे। सोच लो, फिर तुमको भी समाज छोड़ देगा। ठीक है, तुम अपना खाना अलग बनाओगी, मैं समाज को नहीं छोड़ सकता। हाँ लाडो,
ठीक है, आज से मैं और मंजारी अलग रहेंगे। घर आने के बाद हम गेंकलसी रजगामपुर में भी काम किया 3 महीने। फिर हुए से हम लोग को छटाई करके जो भेज दिया। फिर हम रोड में काम किया। रोड में काम करने के बाद फिर हम कुछ दिन 1-2 हफ्ता ऐसे लकड़ी भी बिचा है। फिर हम लोग बाद में चिरुबुरु जो खदान था, चिरुबुरु में हम काम किया है। चिरुबुरु खदान में काम किया है तो इतना कम रुपये मिल रहा है वहाँ पर, रेट तो इतना कम था। तो बाद में हम लोग यूनियन को लाया। ये सारी तुम्हारा घर पूछ रहा था। जोहार। जोहार। तो तुम्हें यहाँ लाड़ो जम को? जी। कोई काम है क्या? ओ दादा, कॉम्रेड पेमा जमदार काम सुना? वो यूनियन बाबू रोरो खादान में एक बार देखा था, बहुत अच्छा भाषण देते हैं। हाँ, उन्होंने ही भेजा है मुझे। तुम हम लोग के यूनियन में क्यों नहीं शामिल हो जाती? उससे क्या होता? कुछ नहीं, तुम मजदूरों के जो लड़ाई लड़ रहे हो उसको अच्छा से लड़ सकते। हम लोग का यूनियन पूरे देश भर में है, तुमको सब जगह से साथ भी मिलता। अच्छा, आप लोग का यूनियन कलकत्ता के ईटा भट्टा में कुछ नहीं करता क्या? वहाँ भी कम मजदूरी मिलती है और यहाँ भी आप लोग सिर्फ मजदूरी बढ़ाने की बात करते हैं। औरतों के बारे में आपका यूनियन क्या करता है? देखो लाड़ू, हम लोग समाज बदलने की बात करते हैं और सिस्टम बदलने की बात। हम लोग आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं मानते। सभी लोग मजदूर हैं, सभी मजदूर एक हैं। वो तो ठीक है, मगर खादान के बाहर भी तो जिंदगी है। औरत और आदमी सिर्फ मजदूर ही नहीं, और औरतों के साथ गांव में बाजार में क्या होता है ये आप लोगों को तो मालूम ही होगा। तुम यहां बैठी हो, तुम्हें पता है पोंसुआ गांव में 3 लोगों को फिर मार डाला, सास बहू और उसकी बेटी। क्या? हाँ, वो डायन का आरोप लगाकर उन्हें मार डाला। इसमें आप क्या बोलते हैं? इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो तुम्हारे आदिवासी समाज का मामला है। फिर हम लोग पूरे खदान फैक्ट्री और जितना जो गांवों किंदु पता हुआ पूरे हम लोग हुए पर संगठन किया। संगठन करने के बाद फिर लड़ाई भी किया है हम लोग जो मजदूरी के विषय में। मजदूरी के विषय से लड़ाई करने के बाद फिर इन लोगों का अपना हक भी हम लोग उसको दिलाया है। फिर दिलाया तो हमको भी थोड़ा खुशी लगा है जी, तो टिकी है। तो फिर ये बिजली जो ये था, लीडर था, इतना मीटिंग में बोलता था, तो मीटिंग में बोलता था तो हम भी सोचा जी हम कैसे हम भी लीडर बनेगा। पढ़ाई लिखे जो पेपर जो आता है हैंडबिल हम लोग छपाता है तो इन लोगों तो पढ़ लेता है ऐसे ऐसे बोल करके। हम तो पढ़ा लिखे नहीं सीखा है। लाडो, तुम इतना बड़ा बड़ा बातें कैसे करती हो?
इसमें बड़ी बात क्या है? ईटा भट्टा में हम औरतों के साथ जो कुछ होता है वो तुमको नहीं मालूम है क्या? मजदूरी के हिसाब से पैसे देते हैं, और तेरे साथ क्या हुआ? मैं तो मुंशी का मीठा मीठा बात में आ गई थी ना, बोलता था शादी करेगा तो कर लिया, उल्टा जब मन भर गया तो तुझे छोड़ दिया। अपने समाज का होता तो छोड़ पाता क्या? अरे पंचायत के लोग पकड़कर जिम्मा दे देते। बात तो ठीक है। क्या ठीक? वो लोग असल में हम लोग को बेवकूफ समझते हैं। और क्या, पढ़ा लिखा लोग है ना वो, बिना पढ़े लिखे कोई बात समझ में नहीं आती क्या? ठीक है बाबा, पर मजदूरी की बात तो जानती हो ना तुम, वो यूनियन के बाबू से बात की थी ना? हाँ की थी, कह रहा था कि हम लोग को भी यूनियन में काम कर लेना चाहिए। नौकरी? नहीं रे, नौकरी नहीं, वो कह रहा था कि हम लोगों को मजदूरों के लिए जागृति लाने का काम करना चाहिए। तो क्या? मैं सोच रही हूँ कि वो ठीक ही कह रहे थे, आखिर हम लोग अपने लोगों के लिए तो काम करेंगे ना। तो फिर सोचती क्या है? मैं कुछ और बात सोच रही हूँ रे, मैं हम लोग के औरतों के बारे में सोच रही हूँ। क्या? यही कि हम लोग आदमी लोग के साथ मिल के काम करते हैं, तो फिर वो लोग हम औरतों को डाइन बोलकर क्यों मार देते हैं? तो इसमें हम लोग, मेरा मतलब तुम कर क्या सकती हो? पता नहीं, पर मुझको ये लगता है कि सबको बता देना चाहिए कि ये बात गलत है, हम औरतें डायन नहीं। मजुमदार दादा भी यही कहते हैं कि ये सब गरीबी के कारण होता है। तुम पता नहीं क्या क्या बोलती हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। सुना है लाडो, दादा तुम्हें पढ़ाने की बात कर रहे थे? हाँ कर रहे थे, लेकिन खैर छोड़, चल हम लोग बाई हाथों चलते। क्यों? मुझे मुक्ता से इस बारे में बात करनी है। वो भी कह रही थी कि हम लोग को इस बारे में कुछ करना चाहिए। हाँ चल चल से। तो भी मंजिंदर जो है हमको, जो हमको तो पढ़ा लिखे नहीं है, तो पढ़ा लिखे वही बाद में हाड़ी कॉलोनी में हमको ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी हमको 2 महीने हुए पर दे दिया था। पहले तो हम लोग का महिला समाज का कहे हम लोग का खाली औरतों का ही ऊपर में इस तरह हो रहा है। अच्छा मर्दाना को ऊपर में तो डाहिन तो नहीं बोला जाता है, और जो मुंडा लोगों का औरतों को भी ऐसे नहीं बोला जाता है, और खाली जो गरीब औरत है इन लोगों का खाली ऐसे बोला जाता है। और कुछ हम लोग बाद में विचार किया है ना, ऐसे बात नहीं, ये जो दिन जो शादी नहीं किया है और जो विधवे औरत है वो सब संपत्ति सबको कुछ लेने के लिए इस तरह कर रहा है बोल करके बाद में हम लोग साइटी पर करके भेज दिया। वही हम लोग विचार किया है महिला समाज के तरफ से। भैया क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। कुछ बात है? बस ऐसे ही, वो सुंदर और गुजरी उन दोनों के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था। गुजरी वही वो दलाल ना, उसको तो हम लोगों ने यूनियन से भी निकाल दिया था। तो जान से मार डालने की धमकी दे रहा था। भैया तुम उन लोगों से मत मिला करो, वो लोग अच्छे नहीं हैं, और वो तो फिर बाजार में भी सेठ लोग से जाकर मिलता है। तुमको तो पता ही है खादान को लेकर सेठ लोग हम लोग से कितना नाराज रहते हैं।
लाडू, तुम कितनी समझदार हो गई हो। लेकिन तुम मानो तब ना। अरे लाडू, क्या बात है, आज तुम घर पे हो। मैं तो सोची भी नहीं थी कि आज तुम घर में मिलोगी। क्या है ना कि काम से फुर्सत ही नहीं मिलती आजकल। वो खादान यूनियन का काम, महिला समिति का काम। फिर भी कभी अपने बारे में भी सोचो। क्या ऐसे ही, क्या ऐसे ही फुर्सत ही कहाँ मिलती है। फिर भी मुझे लगता है अमर सिंह तुम्हारा बहुत अच्छा साथी है। हाँ, यूनियन का सारा पढ़ा लिखा काम वही देखता है, इसीलिए तो बोल रही हूँ। अच्छा एक बात बता, तू यहाँ किस लिए आई है? ओहो, मैं तो भूल ही गई। वो तुम कहीं गई थी ना, क्या नाम था उसका वो? रूस मास्को। हाँ वही। मैं क्या बोल रही थी, क्यों ना यहाँ औरतों की एक मीटिंग बुलाकर सबको वहाँ की बात बताएं। मैं भी यही सोच रही हूँ मुक्ता, कि चिरीबुरु और झीकपानी में बात करके डेट फिक्स कर ली जाए। अच्छा तुम ऐसा करना, गुआ कमेटी में जाकर खबर कर देना, ठीक है? अरे विजय मार दिया, तीर से मार दिया। विजय जोंको को तीर से मार दिया भैया, जोंको को तीर से मार दिया, तीर से मार दिया। विजय चिरुबुरु जो हम लोग लड़ाई लड़ रहा था, उसी समय से जितना जो हमको दबाने के लिए काफी कोशिश किया था, तो हमारे भाई ने बोला है कि ना डरो मत, अब ये जो गाड़ी चल रहा है अब एकदम छली आखिरी तक, तो वही हमको हिट दिलाया है। वो भाई भी नहीं डरता है, तो संगठन भी वो बनाता है। बाद में इन लोगों जो प्लान बना करके ही वो भाई कमांडर किया है। हमारा गांव में 3 नाइट स्कूल खुला है, तो पढ़ा लिखे नहीं है, तो इन लोगों जो अभी पढ़ रहा है, तो जो पढ़ा लिखे नहीं है इन लोगों पेपर पढ़ सकता है और अच्छा भी इन लोगों देख सकता है। इन लोगों अच्छा ही सीखा है, तो अच्छा है अभी इन लोगों सीख गया तो। हम जो बिना पढ़ा लिखे होते हुए भी अभी जो ज्ञान ऐसे आ गया दिमाग में, तो कम से कम हमारा जैसा अगर आदमी कम से कम समझेगा, तो कितना जल्दी हम लोग कम से कम दुनिया को बदल सकेगा।